500 करोड़ रुपए के टैक्स चोरी के आरोप में दो हरियाणा के लिकर किंग पर इनकम टैक्स की रेड चल रही है। आज सुबह से ही ये रेड की जा रही है और पूरे देश भर में लगभग 50 ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड की जा रही है। दिखाएंगे आपको आगे कि इसमें हरियाणा के कौन है लिकर किंग जिन पर आईटी का पड़ा है छापा। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज़। हमारे देश में आयकर चोरी के तमाम मामले आते हैं, इनकम टैक्स उनका भंडाफोड़ करती है, उन पर जुर्माने लगाती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करती हैं। ऐसा ही एक मामला आज गुरुग्राम से भी आया है, जबकि देश भर में आज इनकम टैक्स की 50 ठिकानों पर रेड की जा रही है। गुरुग्राम में लिकर किंग लेक फॉरेस्ट वाइन्स जो एल शॉप हैं उन पर गुरुग्राम में तमाम ठिकानों पर रेड की जा रही है। इस समय हम गोल्फ कोर्स रोड पर हैं जहाँ पर लेक फॉरेस्ट वाइन की जो एल शॉप है वहाँ पर रेड की जा रही है। सुबह बताया जा रहा है कि लगभग 6 बजे से यहाँ पर इनकम टैक्स की रेड हो रही है। सैकड़ों जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं वो लगातार जगह जगह छापेमारी कर रहे हैं। इसके अलावा जो सीआरपीएफ के आप जवान देख रहे हैं सिक्योरिटी पर्पज़ से ये साथ आए हैं। और इस लेक फॉरेस्ट वाइन शॉप की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊँ तो शटर देखिए कि डाउन किया हुआ है। यहाँ पर अंदर जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं वो लगातार छानबीन कर रहे हैं और जो कथित आरोप लगा है कि 500 करोड़ का आयकर चोरी का आरोप लगा है उसके लिए उसी को छानबीन करने के लिए उन्हीं के कागजात चेक करने के लिए इनकम टैक्स की रेड की जा रही है। इसी तरह अगर एसपीआर रोड की बात करें तो एसपीआर रोड पर भी जो लेक फॉरेस्ट वाइन का एल शॉप है वहाँ पर L1 शॉप में भी इसी तरह रेड की जा रही है। वहाँ भी सीआरपीएफ के जवान आप लोगों को तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं और लगातार जिन गाड़ियों में वो आए हैं वो गाड़ियाँ भी आपको इन तस्वीरों में साफ नज़र आ रही है। जो अधिकारी हैं वो लगातार खोजबीन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो आरोप लगाए गए हैं, जो एलिगेशन लगाए गए हैं या जो शिकायत मिली है इनकम टैक्स को उन शिकायतों के आधार पर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं टैक्स चोरी के जो बताया जा रहा है वो उनको खोजने की कोशिश की जा रही है और ये साफ करने की कोशिश की जा रही है कि जो शिकायत की गई है, जो आरोप लगाए गए हैं वो सही भी हैं या नहीं है। इसके अलावा हरियाणा के एक और लिकर किंग है जिन पर ये आईटी की रेड की जा रही है। इनकम टैक्स के अधिकारियों का कहना है कि जल्दी वो इस बात का खुलासा करेंगे कि जो आरोप लगाए गए हैं उनके मुताबिक क्या कुछ बरामद हुआ है इनकम टैक्स की टीम को। आपको और बता दें कि रियल एस्टेट कंपनी पर भी देश भर में ये रेड की जा रही है और ये बताया जा रहा है तकरीबन 400 इनकम टैक्स के अधिकारी हैं जो कि देश भर में लगभग 50 ठिकानों पर रेड कर रहे हैं। एक बड़ा मामला है चूंकि आपको बता दें कि हरियाणा में 12 जून तक ये जो 2021-22 का लाइसेंस हुआ करता है लिकर लाइसेंस वो खत्म होने वाला है, लेकिन उससे पहले 500 करोड़ टैक्स चोरी का आरोप लगा लिकर किंग्स पर और उसी के चलते अब इनकम टैक्स की रेड की जा रही है। देखना होगा कि जब इनकम टैक्स के अधिकारी इन L1 शॉप से बाहर निकलेंगे तो उनके हाथों में क्या होता है, क्या उनको सबूत मिलते हैं जो आरोप लगाए गए हैं कि 500 करोड़ के टैक्स चोरी किया गया है लिकर किंग्स द्वारा। तो अब जब इनकम टैक्स के अधिकारी बाकी जानकारी देंगे वो भी हम आप लोगों को मुहैया कराएंगे। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा, साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।